ओबीएस कहानी नंबर 31 ईसुरा पानी पांदे चलना। 5000 लोका के खाना खिलाने ते बाद ईसु ने अपने चेलिया के किश्तिया विच चढ़ने खातर बोलिया। ईसु ने तिना के झील लरी दूजी तरफ जाने खातर बोलिया, जबकि ईसु आप ही थोड़े समय खातर तेसी जाएगा ठहरेगा। ते वे चेले चली गए और ईसु ने भीड़ वाले लोग विदा किते कि अपने घर आके जाओ। तेथे बाद ईसु प्रार्थना करने खातर एक पहाड़ा पांदे चलेगा। ईसु तेती कल्ला था और तीन राती बहुत देर तक प्रार्थना की। तेसा में चेले किश्तिया विच जाने लगी रहे थे, पर हवा तिनारे खिलाफ बड़ी जोर साथे चलने लगी रही थी। आधी रात होने तक भी से सिर्फ झीलारे बीच ही पहुंच रहे थे। प्रार्थना करने ते बाद ईसु अपने चेले के वापस चलेगा। ईसु किश्तिया की तरफ जाने खातर पानी पांदे चलने लगया। तब चेले ने ईसु झीलारे पानी पांदे चलते हुए देखा। से डरी गए क्योंकि तिना ने सोचा कि ये कोई भूत है। ईसु के पता था कि चेले डरी गए, इस खातर ईसु ने तिना के आवाज लगाई के बोलिया, डरो मत, हाँ है। तेबे पतरसा ने ईसु के बोलिया, ए प्रभु, अगर ये तू है तो माखे पानी पांदे चली के आपी के आने रा आदेश दे। ईसु ने पतरसा के बोलिया, आई जा। तेबे पतरस किश्तिया बीच ते उतरी के ईसु के जाने खातर पानी पांदे चलने लग्या। पर थोड़ा जा अगे जाई के तीने अपनी नजर ईसु पांदे ते फेर ली और लहरा के देखने लग्या और तेज हवा के महसूस करने लग्या। तेबे पतरस डरीगा और पानी बीच डूबने लग्या और चिल्लाने लग्या, ए प्रभु, माखे बचा। ईसु ने तेसी समय अपना हाथ आगे बढ़ाया और से पकड़ी ला। तेबे ईसु ने पतरसा के बोलिया, तेरा भरोसा बहुत कम है, तै मेरे पांदे भरोसा कौन नहीं कीता। तेबे ईसु और पतरस किश्तिया विच चढ़ी गए और एकदम तेज हवा चलनी बंद होगी और पानी का लहरा शांत हो गया। चेले चौंक गए और तिना ने ईश्वर आगे घुटने टेकते। तिना ने ईश्वरी आराधना की और तेसके बोलिया, तू सच्चे परमात्मा का पुत्र है।